Good morning, dear kids. I'm again back with a chapter which was little disturbed on the live platform of Chaudhary Coaching Classes Akola. तो आज की तारीख में देखो 10 दिन निकल गए अगस्त के. आप क्या कर रहे हैं ये आपको मालूम. हम देख नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं. आपको अपने आप को समझना है और आपकी गत विधियां उसी आधार पे करनी है जैसे कि रिक्वायर्ड है, जरूरत है. एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम मेन मेन मुद्दों को टच करेंगे और उसी के आधार पे आगे चलते चले जाएंगे. समझे? बंद करो. तो एक चैप्टर में जो बातें इंपॉर्टेंट हैं आई बी जस्ट पॉइंटिंग और उन्हीं पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आगे जाइए. मेरा सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगा, ये आयंस सोडियम पोटेशियम क्लोरीन फॉस्फेट सल्फेट. ये मेरा क्वेश्चन. उसके बाद जो आप जानते हो वो कॉमन नाइट्रोजनस बेस अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड, राइट? एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस द वर्ड एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया अमोनोटेलिज्म विच ऑब्जर्व इन द बोनी फिश एक्वेटिक एम्फीबियंस टैडपोल कंडीशन एक्वेटिक इंसेक्ट्स. यही ऑप्शंस रहेंगे, दूसरे ऑप्शंस नहीं आने वाले हैं जैसे बाहर की बुक में दिया गया है. अमोनोटेलिक इन नेचर, राइट? अमोनिया इज अ रेडिली सॉल्युबल एक्सक्रीटेड बाय द वे ऑफ डिफ्यूजन, राइट? थ्रू गिल सर्फेसेस इन फिशेस एज अमोनियम आयंस. ये जो छोटे छोटे वर्ड है थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिएगा, हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं. बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां पे आई पुट माय पेन डाउन एंड पुट ऑन इट. फिर टेरेस्ट्रियल अडॉप्टेशन में आइए आप. यहां पे नाइट्रोजनस बेस आर द यूरिया नोन टू यू एंड यूरिक एसिड. फिर यहां पे क्या हो जाता है, वाटर कंजर्वेशन. Why this is so? To conserve water. Mammals are terrestrial amphibians. Marine fishes mainly excrete urea and called ureotelic. Ammonia produced by metabolism converted into urea. C
सिक्रीशन क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन क्या हो रहा है, अमोनिया ही बट कन्वर्टेड इंटू यूरिया, मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स, मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी. ध्यान दीजिएगा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज अ यूरिक एसिड. आर इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड एंड रिमेंबर. लेट्स गो एट एंड पुट द थिंग्स टू बी नोन टू आर माइंड. A survey of animal kingdom presents variety of excretory structures in most of the invertebrates. These structures are simple tubular forms, whereas vertebrates have complex tubular organs called kidney. Right? Some of the structures are mentioned here. Protonephridia or flame cell are the excretory structure of plateal mantis flatworm, planaria. Rotifers, some annelids and cephalochordates, amphioxus. Yahan pe kya hai? Protonephridia are very important. Protonephridia primarily concerned with the ionic and fluid volume regulation, that is osmoregulation. Nephridia, the tubular excretory structure, nephridia, I don't know you know it or not, a nephridia is tarah se coil structure hote hain. राइट, ये नेफ्रीडिया स्ट्रक्चर है. तो यहां पे अर्थवर्म में ज्यादा दिखाई देता है, एनिलिड्स में. नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव वही नाइट्रोजन वेस्ट, मेंटेनिंग फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस. मालपीजियन ट्यूब्यूल है दूसरा. मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस removal of nitrogenous waste and osmoregulation. Antennal glands or green glands perform excretory function in crustaceans like prawns. है ना, यहां तो prawns जल्दी मिलते नहीं खाने को, पर यहां पे prawns, ये जितना ये है, that is a really important. आपका अटेंशन इस पे अच्छी तरह होना चाहिए. इसके बाद जो बातें आएंगी, जो आपके क्वेश्चन बनेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जैसे मैंने कहा था कि मैक्सिमम कितना क्वेश्चन बन सकता है, दो आएगा तो एक क्वेश्चन यहीं से होगा, जितना मैंने दिखा दिया इंट्रोडक्टरी पार्ट में. अब आगे चलिए और देखिए, आगे ह्यूमन एक्सक्रीशन पे, यहां पे बहुत सारी बातें नहीं होंगी अपने हिसाब से, लेकिन जो भी बात होगा मैं एक क्लोजली मेंशन कर दे रहा हूं. दैट इज वन इज द पोजीशन सिचुएटेड इन द लास्ट थोरैसिक and third lumbar vertebra close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity. Then measurement 10 to 12 centimeter length, 5 to 7 centimeter width, 2 to 3 centimeter in thickness. Weight, ye important hoga isme.
हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज डिफरेंट बुक में डिफरेंट दिया है, हमको फॉलो करना है एनसीईआरटी और दूसरा कुछ नहीं फॉलो करना है, राइट? रेस्ट एवरीथिंग आई एम जस्ट लिविंग ऑन योर स्टडीज, बिकॉज आप स्कूल डेज से पढ़ते आ रहे हो और वो चीजें जरूरी नहीं है। ठीक है, वो मेडुला और कॉर्टेक्स जोन मेंशन किया है डॉक्टर बेलनी एक्सेट्रा, विल बी आस्क्ड टू यू। डायग्राम को भी ध्यान में रखना, बेस्ड ऑन डायग्राम आल्सो क्वेश्चन गेस फायर्ड। डायग्राम आप अच्छी तरह जानते हो लेबलिंग के साथ में। आई शैल नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम इन दिस। नंबर ऑफ द किडनी 1 मिलियन, ये कहीं कहीं पे इसका नंबर अलग दिया है, 1 to 2 मिलियन दिया है, लेकिन हम फॉलो क्या करेंगे जो यहां पे मेंशन किया गया है, राइट? रेस्ट ऑफ द थिंग्स जहां पे हमें नहीं मेंशन करना है, ये रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर बोमेंस कैप्सूल, डबल होता है, कंफ्यूजन मत लेना विद अ सिंगल वॉल। यहां पे हम ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आगे जाएंगे जहां पे कुछ अटेंशन, ये भी डायग्राम पे क्वेश्चन यहां पे बहुत सारे हो सकते हैं, मेनली वन क्वेश्चन विल गो ऑन, क्वेश्चन विल गो ऑन डायग्राम, ऐसा बहुत जरूरी नहीं है, बट देन टू बेयर इन द माइंड। तो ये भी यहां पे कोई चीजें ऐसी नहीं कि मैं आपको होल्ड करूं और बताऊं, जहां पे जो बोलने लायक है वहां पे मैं जरूर बात करूंगा। यहां पे देखिए, इससे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, डीसीटी पीसीटी एक्सेट्रा, यू नो दैट, आई शैल नॉट बी पुटिंग एनी मार्क ऑन दैट। अब देखिए, ये इसमें कुछ भी नहीं है, दिस आई एम परमिटिंग, लेट इट गो एज सच। आगे यूरिन फॉर्मेशन पे, अगर हम यूरिन फॉर्मेशन को लेंगे तो हम क्या देख सकते हैं, ऑन एन एवरेज 1100 टू 1200 ml ऑफ द ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट, विच कॉन्स्टिट्यूट्स रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करेगा, दिमाग में रखिएगा, पर मिनट कितना फिल्टर हो रहा है और दूसरा रफली कितना है, दस व्हाट इट कुड बी ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, द एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, 3 लेयर को ध्यान में रखिए, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट? बिटवीन दीज टू लेयर्स द एपिथीलियल सेल ऑफ बोमेंस कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स आर एपिथीलियल, राइट? एंड देन फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर्स, ब्लड फिल्टर सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन पास इनटू ल्यूमेन, द बोमेंस कैप्सूल देयरफॉर इट इज डिस्क्राइब्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेट। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को डी प्रोटीनाइज प्लाज्मा भी बोलते हैं, डी प्रोटीनाइज्ड
प्लाज्मा, यहां पे इतने है। आगे चलिए, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR. इज हेल्दी इंडिविजुअल अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट, 180 लीटर पर डे. द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. Such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular operator JGA. Very important. A special sensitive region formed by cellular modification in the distal convoluted tubule and the afferent arteriole at the location of their contact. कहां कहां बन रहा है ध्यान दीजिए, DCT and afferent arteriole, ये दोनों क्लोज हो जाते हैं, दे बिकम क्लोज और क्या बन रहा है यहां पे JGA. इस बात को दिमाग में बेयर करिएगा. फॉल इन GFR कैन एक्टिवेट, जब रिड्यूस होगा GFR कैन एक्टिवेट JGA, राइट, सेल टू रिलीज रेनिन विच कैन स्टिमुलेट ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय GFR बैक टू नॉर्मल. अब यहां पे ध्यान दीजिए, जब ही डिक्रीज होगा GFR, देखिए डिक्रीज बोल रहा है, फॉल द जेजी सेल, तो जेजी सेल क्या होगा, एक्टिवेट होगा, रिलीज क्या करेगा रेनिन. यहां भी कंफ्यूजन हमको आ जाता है, जब GFR कम होगा तब जेजे एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होगा मींस इंक्रीज होगा, राइट. तो उसके बाद क्या होगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, देयर बाय द GFR बैक टू नॉर्मल. इतनी सारी बात होगी, ये बात को ध्यान रखिए, दिस विल लीड GFR टू बिकम नॉर्मल. ये क्वेश्चन आते हैं तो हम कंफ्यूजन में गिर जाते हैं. पैराग्राफ को देखिए अच्छी तरह, ध्यान से देखिए, बाहर की कोई भी बात मत देखिए, ओनली लैंड ऑन योर एनसीईआरटी एंड सी दैट व्हाट इज टॉकिंग. कंपैरिजन, द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे 180 लीटर विद दैट द यूरिन रिलीज्ड 1.5 लीटर्स सजेस्ट दैट नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट, right, percent of the filtrate has to be reabsorbed. Kitna reabsorb hota hai, dhyan rakhiyega. This process is called reabsorption. Itna 180 liter hai, release kitna ho raha hai 1.5, to itna kya ho raha hai 99% reabsorbed. Ye again ek बात है जो आपको दिमाग में रखनी है. ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन अ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस ईदर बाय एक्टिव और बाय और पैसिव मैकेनिज्म ऑफ, राइट, फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सोडियम इन द फिल्ट्रेट
रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली, प्लीज ध्यान रखिए, तीन बातें एक्टिवली एब्सॉर्ब्ड हैं, अमीनो एसिड, सोडियम और ग्लूकोज, वेयर एज द नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, दोनों को अलग कलर में कर दिया है, रेड इज एक्टिव एंड ब्लू इज पैसिव, क्या क्या चीजें पैसिव हो रही, नाइट्रोजनस वेस्ट कुछ भी होगा पैसिवली मूवमेंट हो रहा है, वाइल द एक्टिव किसका हो रहा है, जो भी मेन है, सच एज ग्लूकोज एंड देन अमीनो एसिड एंड सोडियम. Reabsorption of water also occurs passively. Water ka bhi passive absorption hai. Even water passive in the initial segment of the nephron. During urine formation, tubular cells secrete substances like H+, potassium and ammonia into the filtrate. Tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in the maintenance of ionic acid base balance. Dhyan dijiyega. Tubular mein kya ho raha hai? Ionic acid and base balance maintain hota hai body fluid mein. Ye complete page is very important. The page ko aap achhi tarah se पढ़िएगा, बार बार नजरअंदाज ना करिएगा, और अपने दो मार्क के दो क्वेश्चंस को ढूंढ के निकालिए. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली ऑफ दिस फेनोमेनॉन. आइए आगे हम ले लेते हैं फंक्शंस ऑफ दी ट्यूब्यूल्स. तो पीसीटी क्या करती है, किसकी बनी है, सिंपल क्यूबॉइडल इंपॉर्टेंट ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ फॉर रीअब्सॉर्प्शन. नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70-80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट की परसेंटेज कितनी है 70-80, एंड वॉटर रीअब्सॉर्ब्ड इन दिस सेगमेंट. PCT helps to maintain pH and ionic balance of the body fluid by selective secretion of hydrogen ions, ammonia, potassium ions into the filtrate, and by absorption of a carbonic ion from it. यहां पे बातों को देखिए, जितना मार्क कर दिया हूं वही क्वेश्चंस हैं. हेनलीज लूप रीअब्सॉर्प्शन इज मिनिमम, यहां पे रीअब्सॉर्प्शन बहुत कम है. इन इट्स असेंडिंग लिम, कहां पे कम है, असेंडिंग लिम में. हाउएवर दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टीशियल अंदर के फ्लूइड का, मेडुलरी मतलब मेडुला के फ्लूइड का. द डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप हेनलीज इज अ परमिएबल टू वॉटर, ये सब इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करते हैं, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं अंदर आता, ओनली वॉटर वेयर डिसेंडिंग वन. ठीक है, दिस कंसंट्रेट्स ए फेनोमेनॉन क्या करता है, कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन. द असेंडिंग लिम ऊपर जो जा रही है इज इम्परमिएबल टू वॉटर, वॉटर की इम्परमिएबिलिटी है इसको,
but transpose electrolytes, but permeable to electrolytes. उसी का ट्रांसपोर्ट करता है. Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, it gets diluted due to passage of electrolytes to the medullary fluid. Distal देखो क्या करती है. Conditional reabsorption, sodium ion and water takes place in this segment. DCT is the also capable of reabsorption of carbonic. तो ये carbonic कहां पे absorb हो रहा है? DCT में. And selective secretion of hydrogen and potassium ions and ammonia to maintain the pH. तो pH का maintain कहां पे होगा? DCT में. Sodium potassium balance कहां होगा? DCT में. इन बातों को दिमाग में रखा जाए. तो ये जो चीजें हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं. क्वेश्चन आने पे अपने को कंफ्यूजन आता है. इसके लिए बहुत सारी बार इसको पढ़िए जिससे दो क्वेश्चन अपने रह जाएं. एनिमल फिजियोलॉजी में इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है. ये डायग्राम आप देख रहे हो, हर जगह दिखा रहा है कहां पे क्या हो रहा है. वो डायग्राम में वही बातें देखनी है. हम डायग्राम पे यहां पे कुछ जिक्र नहीं कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं. कि यहां पे कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर टू बी नोन देन द अदर थिंग्स. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू किडनी द इनर पार्ट ऑफ मेडुला. लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन. कलेक्टिंग में ज्यादा क्या एब्जॉर्ब हो रहा है? वॉटर. प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. This segment allows passage of small amount of urea into medullary interstitium. Keep up the osmolarity, जो osmolarity maintain करती है. Also plays role in maintenance of pH and ionic balance. pH and ionic balance of blood by the selective secretion. किसका? दो चीज का secretion हो रहा है, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम का. मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट. मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन. हेनलीज लूप वासा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द कंसंट्रेशन. द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलीज is an opposite direction and thus forms counter current. Counter current means if it is a tube, one this side, other this side. Therefore, it is forming counter current mechanism. Dhyan rakhiyega. The flow of blood through the two limbs of ossa recta is also in counter current pattern. ध्यान दीजिए. proximity between the Henle's loop and ossa recta as well as counter current helps in the maintaining and increasing osmolarity. यहां पर बहुत ध्यान दिया जाए. increasing osmolarity अभी diagram में दिखाऊंगा. towards the inner medullary interstitium. इंक्रीज कहां होगा? इंक्रीज ऑस्मोलरिटी कहां होगा? टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टीशियम राइट. दैट इज 300 तो बेसिक होता है. 300 एम ऑस्मोल पर लीटर. 300 एम ऑस्मो ऑस्मोलरिटी पर लीटर इन द कॉर्टेक्स
टू अबाउट 1200 एम ऑस्मोलिटी पर लीटर इन द इनर मेडुला. 300 से लेके 1200 तक होता है. ध्यान देना, कहीं कहीं बुक में 200 भी मेंशन किया है. दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया. ये ग्रेडियंट कौन क्रिएट करता है? सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया, दीज आर टू थिंग्स दे आर क्रिएटिंग. NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिंब, Henle's loop, which is the exchange with the descending limb of vasa recta. कहां से जा रहा है? Ascending में, लेकिन descending से exchange हो जाता है. जैसे जाते रहो आप और कोई चीजें, दो गाड़ियां जा रही, आप चीजों को exchange कर लो. वो smuggler का picture में दिखाते हैं ना, उस तरह से. NaCl is returned to interstitium by the ascending portion of vasa recta. Similarly, small amount of urea enter the thin segment of the ascending limb of Henle's loop, which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. The above described transport of substances facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta is called counter current mechanism. Kon kon counter current mechanism create kar raha hai? Only these two things, Henle's loop and the vasa recta. This mechanism helps to maintain concentration gradient. Isi ke aadhar pe aate hain hum diagram pe. ये डायग्राम को देखिए. डायग्राम आ सकता है, इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं. यहां पे देखिए, पहले इंक्रीज कितना हो रहा है? इंक्रीज में यहां पे 300 है, नॉट विजिबल क्लियरली. बाद में 400 हो रहा है. अब इंक्रीज होना, ये दोनों चीजों को देखिए. यहां पे ये कंप्लीट क्या है? आपकी Henle's loop है और ये vasa recta है. दोनों में कैसे इफेक्ट हो रहा है? यहां से देखिए आप, पहले ये 300 था, इंक्रीज इनटू 400, 600, 1200, 800, 1200. मींस अप टू 1200 इंक्रीजिंग वेयर? इनटू डिसेंडिंग लिम. अब असेंडिंग में क्या हो रहा है? आप सीधा जाइए, ये डिक्रीज होते जा रहा है आफ्टर 300 एंड कम्स इनटू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. What are things being diffused back into? ये vasa recta है, कंटेंट में देखिए रिवर्स हो रहा है. यहां पे 300 से चल रहा है और यहां पे इंक्रीज हो रहा है. ये कौन सी है? ये कौन सी है? डिसेंडिंग. और कौन सी है? असेंडिंग. तो दोनों का जो काउंटर करेंट हो रहा है, मींस अपोजिशन वर्क कर रहा है. दैट इज व्हाट स्पेसिफाइड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म. बस इसमें यही देखने का, ये नंबर्स भी आते हैं कि ये स्टेज पे क्या क्या चीजें डिफ्यूज हो रही हैं, एब्जॉर्ब हो रही हैं. सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको देता है, पर बुक में काफी क्लियरली मेंशन किया है, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज. सोचते हैं अगर आज खत्म हो गया तो ठीक है, राइट? द प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टीशियल ग्रेडियंट हेल्प्स इजी पैसेज ऑफ वॉटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, देयर बाय कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट एंड दैट इज यूरिन. फिर देखिए, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. किडनीज एफिशिएंटली मॉनिटर एंड रेगुलेट द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, JGA,
एंड टू सर्टन एक्सटेंट द हार्ट, हार्ट भी रिलेटेड होता है। जब ये हार्ट अटैक आता है तो किडनी डिस्टर्ब हो जाती है, किडनी डिस्टर्ब होती तो हार्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस। When hypothalamus being stimulated by the excessive loss, of body fluid, right? When excessive loss होता है body fluid का, तो activate क्या हो रहा है? Hypothalamus. And releases anti-diuretic hormone, ADH, or vasopressin from the neurohypophysis. Neurohypophysis hormone stored hai, that gets released. ADH facilitates water reabsorption from later parts of the tubule, thereby preventing diuresis. What does it prevent? Diuresis means an increase in body fluid volume can switch off the osmoreceptor. Jaise body fluid banega, osmoreceptor switch off karta hai and suppresses ADH release to complete the feedback. दोनों फिनोमिनॉन में ये चलता है। जब बॉडी फ्लूइड कम होता है देन ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट होता है, हाइपोथैलेमस एडीएच सिक्रीट होता है, जैसे बैलेंस हो जाता है रिवर्स वे, और इसको क्या बोलते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शंस बाय इस कॉन्स्ट्रिक्टरी of effect of blood vessels, means constriction ho jata usme. This causes increase in blood pressure. An increase in blood pressure can increase the glomerular blood flow and thereby the GFR, glomerular filtration rate. Dhyan dijiye yahan pe kya bol raha hai fir se. फिर से आ जाए, एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर, सप्रेसेस एडीएच रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट किडनी फंक्शन बाय द कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्लड वेसल्स। दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ी तो क्या बढ़ जाएगा? जीएफआर भी बढ़ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपके पास। आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट, बट आई ट्राई टू कंप्लीट दिस फिनोमेनन, दिस इफेक्ट ऑफ होप, राइट? जेजीए प्लेस अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, जीएफआर कैन एक्टिवेट जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन विच कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन in blood into angiotensin 1 and further to angiotensin 2. Angiotensin 2 being a powerful vasoconstrictor, vessel ko constrict karta hai, increases glomerular blood pressure and thereby GFR. Jab blood pressure bada, GFR bada.
angiotensin 2 is also activates the adrenal cortex to release steroid aldosterone. Aldosterone causes reabsorption of sodium and water from the distal part of the tubule. This also leads to an increase in blood pressure and GFR. This complex mechanism is generally known as renin angiotensin mechanism. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कंफ्यूजिव क्वेश्चन फायर होता है. एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ एट्रियल नैट्रियूरेटिक फैक्टर. एट्रियल नैट्रियूरेटिक फैक्टर ANF कैन कॉज वैसोडाइलेशन. क्या करता है ANF? वैसो डायलेशन एंड देयर बाय डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर कम हुआ तो क्या होगा? GFR भी कम होगा. ANF मैकेनिज्म देयरफॉर acts as a check on the renin angiotensin mechanism. इतनी बातें यहां पे हैं. तो जो लास्ट के तीन चार पेजेस आप देख रहे हो, That's really, really important, और आपको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा. With this, I shall be ending my lecture. बाकी जो defect है, that we'll see in the next class. Thank you so, so much. Now, there's no time for enjoyment. I shall not say enjoy. I say that only please study, 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 and study. Safely, be safe, right, stay at home, so that approaching exam is not being affected by any ways. That's what exactly I had to say. Good luck. Thank you so much. Have a good day.